Hello student, now in this video we are studying about chapter number 8 objective type question answer. इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 जो पढ़ा था तो उसके जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे उनको हमने पढ़ लिया था, उनके आंसर को हमने डिस्कस कर लिया था, उनके एक्सप्लेनेशन को हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 51, दैट इज दैट क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं कि ये ओरियन स्टॉर्म लिफ्ट, ठीक है, एक जो घातक तूफान जो लोगों को उठा लेता है, ये लोगों को दूध लेके चले जाता है, कारों का ब्रावो कारों को एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाता है, एंड हर दिन 150 मीटर है। ऐसे तूफान का नाम बताओ क्या करता है कि लोगों को उठा ले जाता है, कारों को ग्राउंड से उठा जाता है, और हर दिन हर का मतलब है वो गोल गोल घुमाता रहता है 100 मीटर, वो बहुत कुछ दूर 150 मीटर ले जाते हैं, मतलब दूर फेंक देता है। तो दिस स्टॉर्म इज लाइकली टू बी, तो उस स्टॉर्म को हम क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म हम नहीं बोलते, इसको टोर्नेडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोर्नेडो, साइक्लोन भी नहीं बोलते, टाइफून भी नहीं बोलते। तो वो जो तूफान होता है जो लोगों को गोल गोल घुमाता रहता है और गाड़ियों को गोल गोल घुमाता रहता है, ठीक है, तो उसके बीच में जो भी जो चीज आती है उसको गोल गोल घुमाता रहता है और दूर ले जाकर उसको फेंक देता है, तो उस वजह तूफान को हम क्या बोलते हैं, टोर्नेडो। ये भी डिस्कस कर लिया था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, टोर्नेडो। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज नॉट अकर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कौन सा नेचुरल फिनोमिना होता है वो नहीं हमें देखने को मिलता है, साइक्लोन में देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को नहीं मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अर्थक्वेक, ठीक है, विंड हमें देखने को मिलती है, टोर्नेडो में देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, अर्थक्वेक, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 द एंड ऑफ ए साइक्लोन कम्स क्विकली इन द साइक्लोन, ठीक है जी, इसका मतलब क्या होगा, द एंड ऑफ साइक्लोन कम्स क्विकली, यदि हमारे पास में जो साइक्लोन है, ठीक है, वो कम्स क्विकली, ठीक है, तो द एंड ऑफ द साइक्लोन मतलब उसका वो उसका खत्म हो, एंड ऑफ का मतलब वो खत्म हो जाता है, वो जल्दी से ही खत्म हो जाता है, ये साइक्लोन है कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह जोड़ रहा सीधे समुद्र में, तो साइक्लोन आता है जल्दी से खत्म नहीं होता है, अपनी फटी है, तो इसका आंसर ये भी नहीं है, मुंह जोड़ ले यदि वेव के ऊपर आता है तो भी खत्म नहीं होता है, मुंह जोड़ ले जब वो वेव के ऊपर आएगा, ठीक है, तो उसकी स्पीड खत्म हो जाएगी और साइक्लोन वहाँ पर खत्म हो सकता है, तो ये इसका भी चांस है कि साइक्लोन वहाँ पे नेट के ऊपर आया कन्वेंट वहाँ पे कर रहा है तो वो खत्म हो सकता है, उसका ही पास में रहता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा, सी, मुंह जो ब्लास्ट ब्लास्ट की मूवमेंट करता है तो वहाँ पे खत्म नहीं होता है, जबकि वो नेट पे आ जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, और साइक्लोन वहाँ पे खत्म होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन आंसर नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 53 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट स्काई में, उसको जो आसमान से नीचे जमीन पर जुड़ा हुआ होता है उसको थंडर स्टॉर्म नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, टोर्नेडो, साइक्लोन भी उसको नहीं बोलते, थंडर क्लाउड भी उसको नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, टोर्नेडो, कि आसमान से शुरू हुआ जो तूफान होता है गोल गोल घूमता हुआ वो नीचे जमीन पर आता है, वो कुछ एरिया से नहीं आता है, तो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक ऐसे ही गोल गोल उसे घूमता हुआ आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोर्नेडो, तो इसका आंसर क्या रहेगा, टोर्नेडो। नाउ क्वेश्चन 56 हाई स्पीड विंड्स आर अकॉम्पेनीड बाय, हाई स्पीड विंड आती है तो किसके साथ में आती है, वेरी लो प्रेशर, ये हमने डिस्कस कर दिया था कि लो प्रेशर होने की वजह से हाई स्पीड विंड जनरेट आती है, तो इस जनरेट होती है तो इसका आंसर क्या जाएगा, लो प्रेशर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सस्टेन्ड साइकिल, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि कौन से ऐसा प्रोसेस होती है जिसकी वजह से एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म, एनर्जी चाहिए एंड सस्टेन साइक्लोन, साइक्लोन को एनर्जी चाहिए, किससे एनर्जी
वाटर वेपर होते हैं कंडेंसेशन होने से उसको एनर्जी मिलती है वो उसी को जनरेट होता है ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा ए ठीक है। वेपोराइजेशन जैसे नहीं मिलती फास्ट मूविंग सी रूप से जैसी वेव से नहीं मिलती और काइनेटिक एनर्जी ग्लोइंग वेव तो इससे नहीं मिलती जबकि वो वाटर वेपर है उसका कंडेंसेशन होगा तो उसको एनर्जी मिलेगी उसकी वजह से वो साइक्लोन जनरेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। नाउ क्वेश्चन 58 है द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। हमने डिस्कस किया था कि ये जो एनीकोमीटर होता है तो ठीक है तो वो क्या होता है विंड की स्पीड को बताता है। तो इस काम से क्या होता है एनीकोमीटर ओडोमीटर नहीं बताता है ठीक है। ओडोमीटर तो गाड़ी की स्पीड को बताता है और उसके बाद विंड की डायरेक्शन को बताता है और एनीकोमीटर ये भी बताता है कौन सा बताता है एनीकोमीटर। इस काम से क्या हो जाएगा एनीकोमीटर। नाउ क्वेश्चन 59 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। तो स्पार्क ऑफ लाइटनिंग एटमॉस्फेयर की जो चिंगारी आती है एटमॉस्फेयर में लाइट की तो बिल्कुल आती है इसका कैरेक्टरिस्टिक है। लाउड नॉइज नॉइज भी होता है ठीक है और रैपिडली रोटेटिंग विंड तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वो गोल गोल हुई उसमें रोटेट नहीं होती ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हेवी रेन और हेयर तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि तेज बर्फ की आ सकती है तेज जो होने भी ले सकते हैं तेज बारिश भी आ सकती है सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर बी है ये नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा ये भी होगा रैपिडली रोटेटिंग विंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 60 द सेंटर ऑफ ए साइक्लोनिक स्टॉर्म कार्ड द आई ऑफ साइक्लोन इन द एरिया ठीक है। तो हमारे पास जो साइक्लोन होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। तो वहाँ पे प्रेशर कैसा होता है वेरी लो प्रेशर कैसा होता है वहाँ पे वेरी लो प्रेशर। तो इसका आंसर बिल्कुल ये आएगा ए वाला वेरी हाई प्रेशर नहीं होता है मॉडरेट भी नहीं होता है और एक रेंज भी राइजिंग है जैसे धीरे धीरे बढ़ता है ऐसे भी नहीं होता है वहाँ पे एयर प्रेशर कैसा होता है लो रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ ए ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म कॉज बाय वेरी हाई स्पीड विंड ब्लोइंग अराउंड ए सेंटर एरिया ऑफ ए लो प्रेशर। कि एक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम ऑफ द ह्यूज रिवॉल्विंग इसे बोल को बड़ा सारा तूफान आता है ठीक है तो ठीक है जिसमें हाई स्पीड विंड आती है तो वो एक सेंट्रल एरिया से स्टार्ट होता है जहाँ से वे जहाँ का प्रेशर क्या होता है वो प्रेशर होता है। तो उसको हुरिकेन भी साइक्लोन का नाम टाइफून भी साइक्लोन है और ये साइक्लोन यहाँ पे उधर है। तो टोर्नेडो है वो इसका आंसर है टोर्नेडो नहीं है ठीक है। जो साइक्लोन आता है तो उसके तो ये हुरिकेन टाइफून तो इसके नाम होते हैं और साइक्लोन ये खुद है तो ये इसमें यहाँ पर टोर्नेडो नहीं आएगा इसका आंसर क्या रहेगा ये भी वाला ठीक है टोर्नेडो नहीं है तो इसका आंसर ये भी रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62 है कि व्हिच इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ठीक है काइनेटिक एनर्जी केमिकल एनर्जी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो विंड होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है यदि कोई ऑब्जेक्ट है यदि वो मूवमेंट करने से जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो विंड होती है वो एक से दूसरी के मूवमेंट करती रहती है तभी तो उसको एनर्जी मिलती है। तो वो कौन सी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद में देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। ये भी कौन सी जगह है जहाँ पर साइक्लोन बिल्कुल साइक्लोन वहाँ पे आते नहीं है साइक्लोन का असर बिल्कुल ही वहाँ पे कम रहता है जैसे चेन्नई में आते हैं साइक्लोन बेंगलुरु में आते हैं पुरी में आते हैं पटना बिहार की जगह है वहाँ पर साइक्लोन होते हैं उनका प्रभाव कम रहता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा पटना। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 थंडरस्टॉर्म डेवलप वेरी फ्रीक्वेंटली इन एरिया। हमने पढ़ा था कि थंडरस्टॉर्म पोलर क्लाइमेट में जहाँ पर ठंडी जगह होती है वहाँ पे आते हैं नहीं आते हैं ठीक है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है वहाँ ज़्यादा आता है थंडरस्टॉर्म। डेजर्ट क्लाइमेट में नहीं आते हैं और टेम्परेट क्लाइमेट नहीं टेम्परेट क्लाइमेट में भी नहीं आते हैं वहाँ आते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है ह्यूमिडिटी ज़्यादा पड़ती है वहाँ वाले एरिया जो है ज़्यादा आते हैं जिस एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरिया। तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का बी ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 65 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट इक्वेशन टू बी ऑब्जर्व एज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के दौरान हमें कौन सी इक्वेशन है ठीक है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। दो नोट सीट क्लियर है विंडो विंडो के पास में नहीं बैठना चाहिए विंडो नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद में दो नोट लाइन ग्राउंड में नहीं बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए। तो ये इसकी प्रिकॉशंस होते हैं दो नोट सीट कार में भी नहीं बैठना चाहिए तो ये इसका आंसर बिल्कुल कार में बैठना चाहिए तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी डो नॉट स्टैंड अंडर ए डार्क ट्री बड़े पेड़ के पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे पास में तीन तो सारे प्रिकॉशंस हो गए और ये वाला प्रिकॉशंस हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
उसके बाद में सेक्टर 6 देखो मेन स्टोन पासिंग फॉर ए बिल्डिंग, ठीक है, और जो एक ऐसे स्टोन के नाम बताओगे वो किसी बिल्डिंग से पास होकर के सक्स करता है, तो वो एयर फ्लो का अराउंड द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग होती है उसके अंदर जो हवा होती है उसकी उस बिल्डिंग की सारी हवा है उसको सूख लेता है एंड मेक द बिल्डिंग एक्सप्लोर, और थोड़ी सी बाद में बिल्डिंग हो जाती है क्योंकि हो जाती है एक्सप्लोर मतलब गिर सकती है टूट सकती है, दिस स्टोन इज मोस्ट लाइकली टू बी, तो इस स्टोन को क्या बोलते हैं टोरनेडो। टोरनेडो क्या होता है, एक गोल गोल घूमने वाला जो तूफान होता है जो आसमान से लेकर जमीन से टच हुआ होता है, तो वो गोल गोल घूमता होता है, ये जो किसी बिल्डिंग के अंदर जाएगा तो बिल्डिंग के अंदर जो हवा उसको बाहर सूख लेगा मतलब उसको सारी हवा को बाहर खींच लेगा, तो जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा और थोड़े समय बाद बिल्डिंग के गिर सकती है, तो ऐसे तूफान को क्या बोलते हैं टोरनेडो।